ग्वालियर में शनिवार की सुबह शहर की बाहरी सीमा पर दो व्यक्तियों के रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक कौन है और किस मकसद से उनकी हत्या की गई है, इसे लेकर पुलिस फिलहाल अंधेरे में है। एक मृतक व्यक्ति बाएं पैर से विकलांग बताया जा रहा है। उसे घुटने के नीचे नकली पैर लगा हुआ है। उसके पास ही एक बैग भी मिला है जिसमें कपड़े और मोबाइल चार्जर रखे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलती ही एसपी धर्मवीर सिंह, एडिशनल एसपी, सीएसपी सहित अन्य पुलिस अफसर एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का मानना है कि मृतक स्थानीय नहीं लग रहे हैं। हो सकता है उन्हें किसी ने प्लानिंग के साथ इस सुनसान इलाके में लाया हो, इसके बाद उनकी हत्या की गई हो। मृतकों की पहचान फिलहाल पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों और सीमावर्ती जिलों की पुलिस को भी घटना के बारे में जानकारी दी है। कंपू पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। आज जो सुबह है, नौगांव थाना कंपू क्षेत्र में दो व्यक्तियों का शव मिला है। उनका चेहरा कुचला गया है पत्थरों से। दोनों में से एक की उम्र करीब 30 साल है, एक की 45 साल है। उनमें से एक व्यक्ति विकलांग है। कंपू थाने पर मर कायम कर जांच की जा रही है। एफएसएल पार्टी द्वारा वहां निरीक्षण किया गया और घटना स्थल के आसपास के लोगों से उनकी शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।